आदाब। मेरे साथ साथ अब तक तो आप भी लोग घूम घूम के थक गए होंगे और मुझे लगता है कि कमरे में बैठे बैठे थोड़ा टैन भी हो गया होगा। बस आज का दिन और कल रात को 9 बजे हमारी फ्लाइट वापस की है। आज का दिन थोड़ा सा पुरसुकून था। जब आप शुरू शुरू में किसी बोट पर जाते ना तो बड़े संभल संभल के बड़ा बैलेंस करके आप अपने पैर जमाते हुए रखते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे आप उस पे ऐसे दौड़ रहे होते हैं जैसे वो तो कहीं हवा में दौड़ रही है, पानी पे है ही नहीं। तो यही हमारे साथ हुआ। पहले शराफत से जरा पीछे की तरफ बैठे, फिर लगा कि भाई नजारा तो आगे की तरफ ही है। और आप जैसे जैसे देखेंगे कि धीरे 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 धीरे, पहले तो हम सिर्फ हल पर बैठे थे, उसके बाद हम कैप्टन सीट पर भी बैठ गए और उसके बाद तो आखिर तक तो ऐसा हुआ कि मैं, मनीष और मैं तो ऐसे सो गए कि अगर एक वेव आती तो हम दोनों समंदर में ही होते। पर आपको पता है ना, हमें सबको पानी से डर नहीं लगता। मैं ज्यादातर उतरती नहीं हूँ बिकॉज उतर तो जाओ, उतर के वापस बोट पे चढ़ने में जो हालत खराब होती है तो उससे बचने के लिए मैं नजारे वहीं से लेती हूँ। डॉल्फिन हमारे साथ आई और इतना क्लियर पानी था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो हम उनको टच कर लें। और एक जो सरप्राइज एलिमेंट था वो था हमबैक वेल। वो शायद वो बोट के कैप्टन ने भी नहीं सोचा था और वो वेल्स हमारे आसपास पनराती रही। महक और मनीष का पानी का विचरण जारी रहा। पेपर बोट अभी भी इनके साथ थी और इनके पास थी। वो अच्छी तरह से उछल उछल के अपना काम पूरा करती रही। मछलियां इतने करीब थी कि लग रहा था बस हाथ से पकड़ लो। और शिप के कैप्टन ने तो जब भी हमने स्नॉर्कलिंग के लिए शिप को पार्क किया, कैटेमरान को पार्क किया, तो उसने अच्छी तरह से फिशिंग की और काफी बड़ी बड़ी मछलियां उसने पकड़ी भी सही। हम दोनों, महक ने और मैंने, तो डिसाइड किया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं गए। मनीष को एक आइलैंड पे जाने का ऑप्शन मिला तो हमने उन्हें भेज दिया कि कहीं दिल में ये आरजू ना रह जाए कि अल्लाह हमने वो आइलैंड नहीं देखी। पर वहां कुछ नहीं था, जल्दी ही वापस आ गए। अगले दिन सुबह सुबह मनीष और महक का तो ब्रेकफास्ट की जगह ढूंढनी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे तो ब्रेकफास्ट करना नहीं होता, तो मैंने ढूंढी मॉल और जो सुबह 9:30 बजे खुल जाती थी मैं जाके वहां पर बिल्कुल 9:30 बजे आए एंटर। देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो अफ्रीकन ब्रांड्स हैं या फ्रेंच ब्रांड्स हैं वो मॉरिशियस या अफ्रीका में मिलती हैं, तो मैं ढूंढ ढूंढ के उनको वहां से जाके, वो कुछ चीजें हैं जो मेरी सालों चलती हैं, वो मैंने लिया। फूड कोर्ट थी, फूड कोर्ट नजर आई तो फिर डोसा नजर आया और फिर जूस नजर आया। अब मॉरिशस आए हैं और उसके बाद गन्ने का जूस ना पिए ये तो होता नहीं, पर भाई पूरा जूस तो पी नहीं सकते, तो एक सिप तो हमने जरूर ली। उसके बाद वापस अपने जगह आए, एयरपोर्ट की तैयारी की। एयरपोर्ट पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, फिर 3 घंटा बिफोर द फ्लाइट और उसके बाद 7.5 घंटे की फ्लाइट। जब वापस आए तो निम्मी की खुशी देख के सच मानिए दिल जो है घर को घर बना देता है। वापस आ गए हैं और एंड में कुछ एक शायरी से करूंगी जिसमें सारी झलकियां आपको पूरी ट्रिप की नजर आ जाएंगी। और ये ट्रिप इस तरह खत्म कर रही हूं कि ऊपर वाले से बस ये दुआ है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा ही था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी देना। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है तो मुझे सर भी देना। मेरे अल्लाह जिंदगी जी है तो जीने का हुनर भी देना, और हुनर के साथ वो सहूलियत भी देना कि हम उस हुनर को इस्तेमाल कर रहे। अगली छुट्टी तक हम मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड वीडियोस के जरिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतयाब रहिए।